यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से तैयारी करें जो सफलता उससे हाथ लगे? यूपीएससी 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हर चरणबद्ध तरीके से इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। रैंक कौन सा मिला है? 131। मेरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। मुझे जो उम्मीद थी कि बहुत दिनों से लगी हुई थी कि मेरा बच्चा कब ये सफलता ला के देगा, जब कल इन्होंने मुझे फोन पर कहा कि मैं कम्पीट कर लिया हूँ, 131वां स्थान है। हमसे कहते थे कि पापा आईएएस क्या होता है, तो मैंने समझाया था कि जे आईएएस का महत्व क्या है, पीसीएस का महत्व क्या है, तो ये लोग उसी समय से कहने लगे कि पापा हम भी आईएएस बनेंगे। राजनगर मधुबनी बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया है। यूपीएससी की परीक्षा में 131वीं रैंक हासिल करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ, आप देख रहे हैं KR न्यूज लाइव। इस समय मैं पहुंचा हूं मधुबनी जिले के लक्ष्मीपुर गांव, और लक्ष्मीपुर गांव में लक्ष्मीपुर के एक लाल ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। हम उनसे बात करेंगे और उनको बधाई देंगे, साथ ही उनको बधाई देने का दौर उनके घर पर पहुंच के सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोग पहुंच रहे हैं उनके घर पर और मिठाई खिला के उनको शुभकामना दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अतुलेश झाजी जो अब सफलता का परचम लहरा रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अपने चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से आपको बधाई देते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आपने जो शिक्षा ग्रहण किया वो कहाँ से किया शुरुआत? धन्यवाद सभी दर्शकों का मेरी तरफ से। मेरी शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ इलाहाबाद में हुआ है। मैं क्लास 12 तक इलाहाबाद के बॉयज़ हाई स्कूल में शिक्षित रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में सांख्यिकी विभाग से पूरा किया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि जो आपके रही उसके विषय में बताइए। जी, मेरा जैसे आपने कहा मूल निवास ललित लक्ष्मीपुर गांव में है, और मेरे पिताजी समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, अभी वो डिप्टी डायरेक्टर के पद पे हैं, और मेरे बड़े पापा जो ताऊ जी हैं वो BSNL में DT के पद पे सेवानिवृत्त हुए हैं, और मेरे दादाजी यहाँ पर आप उनको जानते होंगे डाक बाबू के नाम से, तो श्री विद्यानंद झा इसी गाँव से है। फिलहाल अब अभी कहाँ रहते थे आप? अभी मैं प्रयागराज में रहता हूँ, मेरे पिताजी वहीं पर विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे हैं। रैंक कौन सा मिला है? 131। कितने प्रयासों के बाद आपको यह सफलता मिली? ये मेरा पांचवा प्रयास था, और थर्ड मेंस। पांचवा प्रयास था और पांचवा प्रयास के बाद आपने यह सफलता हासिल किया। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी जो छात्र छात्रा कर रहे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? यूपीएससी 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हर चरणबद्ध तरीके से इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, और तब तक अटेम्प्ट देना ना शुरू करें जब तक तीनों चरणों की अलग से तैयारी आपने पूरी तरीके से ना कर ली हो। तो पहले प्रीलिम्स के लिए जितना सिलेबस है, जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं, उनको बहुत गौर से देखें और उनमें दक्षता हासिल करें। उसके बाद मेंस के लिए आपका जो ऑप्शनल है उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी आप लंबे समय तक वो चीज़ें पढ़ पाएंगे। दूसरा, उसका सोर्स मटेरियल जो आप तैयार कर रहे हैं और उसके नोट्स, वो बहुत बेहतर तरीके से आपको बनाने चाहिए। GS के जो अलग अलग पेपर हैं, जो चार पेपर हैं, उनके पास्ट ईयर पेपर्स और उनके सिलेबस के दो तरह के आप तैयारी कीजिए। पहले तो आप जो मूलभूत किताबें हैं वो पढ़िए, उसके बाद विभिन्न कोचिंग के जो नोट्स आते हैं वैल्यू एडिशन के लिए, उनके नोट्स अपने नोट्स में ऐड कीजिए। ये पूरा तरीके से अगर आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करेंगे तभी इस एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मातृभूमि आपका मधुबनी जिले के राजनगर लक्ष्मीपुर है, तो मातृभूमि के लिए आपका क्या उद्देश्य रहेगा यहाँ की सेवा के लिए? जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे बिहार कैडर अलॉट किया जाए, और बिल्कुल ये बात सच है कि मातृभूमि ही जननी है, वही हमारी माँ है, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के लोगों की समस्याएं, यहाँ के लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उनके लिए ब्यूरोक्रेसी में जितना अथक प्रयास हो सके अपनी तरफ से करूं। सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी, अपने माता पिता, अपने परिवारजन और अपने मित्रगण। अपने शुभचिंतकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
जितने हमारे शुभचिंतक हैं उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अथक प्रयास में लगे रहें और हार ना माने। बिल्कुल, अगर हार मानते तो अभी इनको सफलता नहीं मिलती और पांचवा बार प्रयास करके इनको सफलता मिला और ये प्रयासरत रहे। जो इस बार कमी हुई अगली बार वो कमी हम नहीं होने देंगे। इनके चाचा जी हैं जो जिला दूरसंचार से अवकाश प्राप्त किए हैं, समाज सेवी हैं, ललन झा जी आपके घर में आज खुशी का दिन आया है और आपके भतीजे ने UPSC परीक्षा पास किया है, इस पर आप बताइए। मैं इस पर यही कहूँगा कि अब इन्होंने मेरे ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया। मुझे जो उम्मीद थी कि बहुत दिनों से लगी हुई थी कि मेरा बच्चा कब ये सफलता ला के देगा, जब कल इन्होंने अब मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं कम्पीट कर लिया हूँ, 131वां स्थान है, तो मुझे खुशी से मन इतना खुशी हो गया कि मैं रोने लगा बैठ के। उसके बाद इस बच्चे पर मुझे नाज है, ये मेरे ख़ानदान का है, ये मेरे के लिए बहुत किया है और मैं आज खुशी से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर एक बच्चा को इसी तरह भगवान सफलता दें, यह मेरा शुभकामना है। निश्चित तौर पर कोई भी लड़का अगर सफलता की सीढ़ी प्राप्त करता है तो समाज, परिवार सबको खुशी होती है। उनके पिताजी हैं डॉक्टर अवधेश कुमार झा जी हैं जो प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप के बच्चे आज सफलता प्राप्त किए हैं। जब मैं इलाहाबाद गया था शुरुआती दौर में तो मैं वहाँ पर कुछ कोचिंगों में, जैसे कृष्णा कोचिंग है, करियर कोचिंग है, उसमें मैं IAS और PCS के तैयारी जो छात्र करते हैं उनको मैं पढ़ाने का काम ही करता था अपने जॉब के साथ साथ। हाँ, उस समय हम GB 500 सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में थे वहाँ, और उस समय जब छात्रों का रिजल्ट आता था तो छात्र, सफल छात्र मिठाई देने के लिए मेरे घर में आते थे और कुछ छात्र बीच बीच में भी हमसे कुछ समझने के लिए कोचिंग के अलावा मेरे घर में भी आते थे। उस समय हमारे दो पुत्र हैं, ये बड़े हैं, इसके छोटे भी एक हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं अब, हाँ इनसे 1.5 साल के ही वो छोटे हैं। तो उस समय जो मेरे घर का जो एक माहौल था, जो मेरे यहाँ छात्र आते थे पढ़ने के लिए जाते थे, तो वो सब IAS PCS के तैयारी करने वाले छात्रों का ही वहाँ पर आना जाना होता था। तो उस समय दोनों छोटे भाई जो थे मन रहे वो हमसे कहते थे कि पापा IAS क्या होता है। तो मैंने समझाया था कि जे IAS का महत्व क्या है, PCS का महत्व क्या है, तो ये लोग उसी समय से कहने लगे कि पापा हम भी IAS बनेंगे, हम भी IAS बनेंगे। और लेकिन हमको विश्वास और इन लोगों के प्रति तब हो गया जब ये लोग बचपन से ही अपने क्लास के टॉपर रहे, दोनों बच्चे हमारे टॉपर रहे। इनका इंटर बोर्ड में साइंस में जोन में 5वां पोजीशन था और छोटे वाले का, जबकि वो ह्यूमैनिटीज से थे, उनका जोन में 2nd पोजीशन था। फिर ये इंटर करके प्रयागराज से, जो कि इलाहाबाद से जाना जाता है, जाना जाता रहा है, ये रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए और छोटे वाले भी सेंट स्टीफन कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली में गए। ये 2016 में BSc करने के बाद उसी बार UPSC से CAPF का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसमें ये 43 रैंक हासिल किए 2017 में, ऑल ओवर इंडिया रैंक 43 था। इनको ITBP में कमांडेंट का पद मिला था और उत्तराखंड के चंपावत इनका पोस्टिंग हुआ था। लेकिन ये IAS के लिए, क्योंकि बचपन से इनका ख्वाब था कि हम IAS में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, तो उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया, नहीं ज्वाइन किया। लेकिन संयोग की बात है कि ये इनको पहली, दूसरी, तीसरी प्रयास में सफलता नहीं मिली, तो थोड़ा सा एक होता है कि भाई ये कितना बड़ा जॉब हम छोड़े हैं और हमको ये जल्दी प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें हमारे घर के लोग, हम लोग, और सबसे बड़ा योगदान से मेरी पत्नी का है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो बहुत ही पेशेंस रख करके इनको कि नहीं तुम्हारा तो होना है, अब समय नहीं आया है, हाँ ईश्वर का अनुकंपा अभी तुम पर नहीं हुआ है, तुम में कोई कमी नहीं है, और निश्चित रूप से वह धैर्य, वह जो घर का एक माहौल, हाँ
इनके प्रति हम लोगों ने बनाए रखा, आज उसी के रूप में ये आज सफल होकर के आप लोग के सामने में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक समाजशास्त्री रहा हूँ, आज भी हूँ समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में, भले ही मैं प्रशासन में आ गया हूँ, अब वहाँ पर उच्च शिक्षा में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में हूँ, अभी कार्यरत हूँ। तो मेरा समाज से लोगों से लगाव है, इलाहाबाद का जो मिथिला समाज है उसके मैं अध्यक्ष भी हूँ, कई सालों से अध्यक्ष हूँ। यहाँ भी घर आता हूँ तो मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उनके बारे में हम जितना ही कहें उतना कम है समाज सेवा के बारे में। तो इस सब का जो आशीर्वाद है वो भी इनके साथ रहा है, और कि वही परिणाम के रूप में आज हम सबको दिखाई पड़ रहा है। अतः मैंने इनके पढ़ाई लिखाई का, अपने परिवार का जो धैर्य है, जो साहस है, उसके साथ साथ हम समाज के लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के अनुकंपा से, आशीर्वाद से आज ये बच्चा सफल हुआ है। धन्यवाद। यहाँ ये वरिष्ठ पत्रकार भी पहुँचे हुए हैं बधाई देने के लिए। लक्ष्मीपुर की मिट्टी के लाल अतुलेश झा को UPSC की परीक्षा में 131वीं रैंक हासिल करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं, और ये कामना करता हूं, जैसा कि उन्होंने भी बताया है कि मैंने बिहार कैडर का ऑप्शन दिया है, ईश्वर करे उन्हें बिहार कैडर मिले और वो अपनी सेवा के माध्यम से एक IPS ऑफिसर बन करके अपने गांव, समाज, प्रदेश की सेवा करें, और आने वाले जो नौनिहाल हैं, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटी हुई है, वो इनसे प्रेरणा ग्रहण करें। और मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी मिथिलांचल, जो अपनी मेधा शक्ति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, यहाँ के बच्चों में मेधा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें उचित अवसर देने की। जब भी कोई बच्चा यहाँ का आपसे मार्गदर्शन लेना चाहे तो निश्चित तौर पर मैं आग्रह करूँगा थोड़ा सा समय निकाल करके टेलीफोनिक भी जब भी कोई संपर्क करे तो उन्हें अपना मार्गदर्शन जरूर देंगे, आशीर्वाद जरूर देंगे, ताकि आने वाले समय में और भी IAS और IPS पैदा हो सकेंगे इस मिथिला की पवित्र मिट्टी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। समाज सेवी पूर्व पंचायत समिति सदस्य अमरनाथ सिंह हैं, वो बधाई देने आए हैं अतुलेश जी को, हम उनसे भी चाहेंगे दो शब्द वो कहें। अतुलेश झा जी हमारे ग्रामीण हैं और हमको ललन बाबू बोले, जो बहुत खुशी की बात है। हम राजनगर में थे, जो मतलब UPSC कम्पीट किए हैं, हम वहाँ से भागे भागे, चूँकि अतुलेश जी हमारे ग्रामीण भी हुए, हम लोग पटवारा पंचायत के हैं और राजनगर मधुबनी बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया है, तो बहुत खुशी हुई हमको, जो चलिए वो मेरा ग्रामीण तो कम से कम IPS IAS तो बना। हाँ, और इसी वास्ते हम आप लोगों के बीच यहाँ पर पहुँचे हैं, और इनके परिवार सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जिन्होंने मतलब ऐसे लड़का को जन्म दिया जो देश का नाम के साथ साथ मतलब पूरा रोशन करेगा। अतुलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जितनी भी दे सके वो कम है। राजनगर की धरती के लाल और इन्होंने सफलता का पंचम लड़ाया है। हम पहुँचे थे मधुबनी जिला के लक्ष्मीपुर, और लक्ष्मीपुर से अतुलेश जी जो UPSC कंप्लीट किए हैं उनसे पूरी बात किए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो KR News Lab को फॉलो जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के लिए, तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए KR News Lab। हमारे सहयोगी, हमारे बड़े भाई SKL दास के साथ राजनगर लक्ष्मीपुर से, धन्यवाद।